बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज बेसिक आईटी का पहला लेक्चर है और इस कोर्स को बनाने का मकसद यह है कि जो एमसीक्यूज आते हैं पीपीएससी में, उसको ज़रा ऑर्गेनिक वे में हम स्टडी करें, ताकि जो पीपीएससी या किसी और एग्ज़ाम्स के जो कंप्यूटर रिलेटेड या बेसिक आईटी रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास जी बेसिक आईटी अब्रीवेशन हैं, ए टू जेड हम स्टडी करेंगे और ये तमाम जो पीपीएससी या दूसरे जॉब्स के लिए एमसीक्यूज आएंगे तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जो खास नुमाया पीपीएससी के एमसीक्यूज में मैंने एब्रीवेशन देखी हैं, उसको मैंने हाईलाइट किया ब्लैक कलर में, तो वो आप उसको ज़रा प्रायोरिटी में रख के अच्छे से स्टडी करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सबसे पहले ए के हम देखेंगे, तो ए ए सी मीन्स एडवांस कोडिंग, ए बी आई मीन एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, ए बी आर मीन अवेलेबल बिट रेट, ए डी मीन एक्टिव डायरेक्टरी, ए डी सी मीन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या अप्लाई डिस्प्ले एप्पल डिस्प्ले कनेक्टर, ए एच ए एक्सेलरेटेड हब आर्किटेक्चर, ए एल जी ओ एल एल्गोरिथम लैंग्वेज, ए जे ए एक्स असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एग्जाम्पल, ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लैक में है ये इंपॉर्टेंट है, ए एम डी एडवांस माइक्रो डिवाइस, ए एम आर ऑडियो मॉडर्न राइजर, ए पी सी आई एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ए पी आई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ए आर पी ए एन ई टी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ए एस सी आई आई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ए एस पी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर या एक्टिव सर्वर पेज, ए एस टी एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, ए टी ए एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ए टी एम असिंक्रोनस ट्रांसफॉर्म मोड, ए वी सी एडवांस वीडियो कोडिंग, ए वी आई ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ए डब्ल्यू टी एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। अब हम स्टडी कर लेते हैं बी के, तो बी से बी ए एल बेसिक असेंबली लैंग्वेज, बी ए सी आई सी एस आई सी बिगनर ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बी सी डी बाइनरी कोडेड डेसिमल, बी ई आर बिट एरर रेट, बी एफ डी बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, बी जी पी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बी आई डी आई बाय डायरेक्शनल, बी आई एन बाइनरी, बी आई एन ए सी बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिट बाइनरी डिजिट, बी एल ओ बी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बी पी एस बिट्स पर सेकेंड, बी एम पी बेसिक मल्टीलिंगुअल प्लेन, बी टी बिट टोरेंट या ब्लूटूथ भी कह सकते हैं, बी डब्ल्यू बैंडविड्थ। तो ये थे बी के, अब जल्दी से हम स्टडी कर लेते हैं सी के। तो सी में सी ए डी कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी ए ई कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, सी ए आई कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, सी ए क्यू ए कंप्यूटर एडेड क्वालिटी अश्योरेंस, सी सी कंप्यूटर कंपाइलर या कार्बन कॉपी, सी डी कंपैक्ट डिस्क, ठीक है, और इस सी डी का एक और मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, सी डी एम ए कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, सी डी आर कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सी डी रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDRW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CG कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGA कलर ग्राफिक्स एरे, CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस या कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी, CMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CIFS कंप्यूट कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, CIM कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, COBOL कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CRS कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, CTR कैथोड रे ट्यूब, CSI कॉमन सिस्टम इंटरफेस, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, CTCP क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, CTL कंप्यूटेशन ट्री लॉजिक, CTS क्लियर टू सेंड और CUA से बनता है कॉमन यूजर एसेस। अब हम जल्दी से देख लेते हैं डी वाले, DAO डेटा एसेस ऑब्जेक्ट, DAP डायरेक्ट एसेस प्रोटोकॉल, DAT डिजिटल ऑडियो टेप, DB डेटाबेस, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DCC डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट, DDR डबल डेटा रेट,
DES Data Encryption Standard, DFD Data Flow Diagram, DFS Distributed File System, DHTML Dynamic Hypertext Markup Language, DIVX Digital Video Express, DVE Digital Video Effect, DLL Dynamic Link Library, DLP Digital Light Processing, DMA Direct Memory Access, DNS Domain Name System, DOS Disk Operating System यानी DOS, DPI Dots Per Inch, DOS PMI Disk Operating System Protected Mode Interface, DSL Digital Subscriber Line या Domain Specific Language, DBSN Database Source Name, DTE Data Terminal Equipment, DTR Data Terminal Ready, DVD Digital Versatile Disk या Digital Video Disk, DVD-R Digital Versatile Disk Recordable, DVD-ROM Digital Versatile Disk Read-Only Memory, DVD-RW Digital Versatile Rewritable, DVI Digital Visual Interface, DVR Digital Video Recorder. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे ई से रिलेटेड, तो EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EID इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड, EIGRP इनहेंस इंटीरियर गेटवे रूटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल, ELF एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट, ELM इलेक्ट्रॉनिक मेल, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, EOF एंड ऑफ फाइल, EOL एंड ऑफ लाइन, EOM एंड ऑफ मैसेज, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ECU एक्सटेंडेड यूनिक्स कोड, EST इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज और EXE एग्जीक्यूटेबल. सो ये थे ई वाले, और अब चलते हैं F के रिलेटेड ये abbreviations. FAT फाइल एलोकेशन टैब, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, FDC फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, FDDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर, FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FSH फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड, FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस, FPU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, FS फाइल सिस्टम, FSB फ्रंट साइड बस, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FXP फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल. ज्यादातर जो लव्स एक्स से आएंगे वो जो होंगे वो ई से शुरू होते होंगे, एक्सचेंज या एग्जीक्यूटेबल्स करके, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा. जी में है जी GB गीगाबिट, और GB अगर कैपिटल में है गीगाबाइट. GCR ग्रुप कोड रिकॉर्डिंग, GDI ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस, GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब H वाले हमारे सामने हैं कुछ abbreviations. HEL हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, HCI कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, HD हाई डेंसिटी, HDD हाई डिस्क ड्राइव, HDD DVD हाई डेफिनेशन DVD, HDL हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, HHD हाइब्रिड हार्ड ड्राइव, HID ह्यूमन इंटरफेस ड्राइव, HIG ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइन, HP हॉलेट पैकर्ड, HPFS हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, HT हाइपर थ्रेडिंग, HTM हाइकरल टेम्पोरल मेमोरी, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPD हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमन, HTX हाइपर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन, HURD हायर्ड ऑफ यूनिक्स रिप्लेसिंग डेमन्स, HVD हेलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, HZ हर्ड्स. अब हमारे पास हैं आई के एब्रीवेशन, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC इंटेग्रेटेड सर्किट, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICP इंटरनेट कैशे प्रोटोकॉल, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IDL इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, IDE इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या इंटेग्रेटेड
इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स आईई इंटरनेट एक्सप्लोरर, आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आईजीआरपी इंटरनेट गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, आईएचपी इंडिपेंडेंट हार्डवेयर वेंडर, आईआईओपी इंटरनेट इनर और प्रोटोकॉल, आईएएस इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, आईएम इंस्टेंट मैसेजिंग, आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, आईओ इनपुट एंड आउटपुट, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीपी इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, आईपीसेक इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, आईपीटीवी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, आईपीएक्स इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज, आईआरसी इंटरनेट रिले चार्ट, आईआरडीए इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन, आईआरपी आईओ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पैकेट, आईआरक्यू इंटरप्ट रिक्वेस्ट, आईएससी इंटरनेट स्टॉर्म सेंटर, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओसी इंटरनेट सोसाइटी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन, आईएसवी इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये थे आई वाले, तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं एच वाले। जे टू ई जावा टू इंटरप्राइज एडिशन, जे टू एम ई जावा टू माइक्रो एडिशन, जे टू एस सी जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, जे डी के जावा डिवेलपमेंट किट, जेपीईजी इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जेएस जावास्क्रिप्ट, जेएसओएन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेएसपी जावा सर्वर पेजेस, जेयूजी जावा यूजर ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है अब के वाले एमसीक्यूज। तो के वाले एमसीक्यूज एब्रीविएशंस में है के बी फॉर किलोबाइट, के बी फॉर किलोबिट, अगर स्मॉल बी है तो बिट लव्ज लगाएंगे, के एच जेड किलोहर्ट्ज, के बी पी एस किलोबिट पर सेकंड, के वी एम कीबोर्ड वीडियो माउस। और अब हमारे पास एल से रिलेटेड एब्रीविएशंस हैं, एल ए एन लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एल आई एफ ओ लास्ट इन फर्स्ट आउट, एल एस बी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नेक्स्ट हमारे पास एम से रिलेटेड एब्रीविएशंस हैं, एम ए एन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, एम ए एन ए टी मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, एम बी मेगा बिट, एम बी मेगा बाइट, एम बी सी एस मल्टी बाइट करेक्टर सेट, एम बी आर मास्टर बूट रिकॉर्ड, एम डी आई मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, एम आई सी आर मल्टी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, एम आई डी आई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मीमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मिप्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मीमी मल्टीपल पर्पस मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मेगाहर्ट्ज़ MZHZ, MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMX मल्टी मीडिया एक्सटेंशन, MNG मल्टीपल इमेज नेटवर्क ग्राफिक, MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPL Mozilla Public License, MSB Most Significant Bit, MS-DOS Microsoft Disk Operating System, MVS Multiple Vendor System। अब N वाले देख लेते हैं जल्दी से, और N में हमारे पास पहला है NFS Network File System, NIC Network Interface Controller, NIO New Input Output, NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट, NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NOP नो ऑपरेशन, NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NT न्यू टेक्नोलॉजी, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, NVRAM रैम, NVRAM नॉन वोलेटाइल रैंडम एसेसिंग मेमोरी। अब ओ वाले देख लेते हैं जल्दी से, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OPML आउटलाइन प्रोसेसर मार्कअप लैंग्वेज, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, OSS ओपन रिसोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडिंग। अब हम P वाले देख लेते हैं, और P में है P2P पीयर टू पीयर, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAP पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, PATA पैरेलल ATA पीसी पर्सनल कंप्यूटर, PCB प्रिंटेड
सर्किट बोर्ड, पीसी डॉस पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पीसीआईई पीसीआई एक्सप्रेस, पीसीएल प्रिंटेड कॉमन कमांड लैंग्वेज, PERL प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज, PGA पिन ग्रिड एरे, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, PIC पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर या प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, पाइन प्रोग्राम फॉर इंटरनेट न्यूज एंड ईमेल, PIO प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, PLC पावर लाइन कम्युनिकेशन या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, PNP प्लग एंड प्ले, POE पावर ओवर इथरनेट, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, PPC पावर PC, PPI पिक्सल पर इंच, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP OA, PPP ओवर ATM, PPP OE यानी PPP ओवर इथरनेट, PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, PSU पावर सप्लाई यूनिट। और अब हम क्यू वाले देख लेते हैं एब्रीविएशंस। QDR कॉल डाटा रेट, QFP कॉल फ्लैट पैकेज, QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस, QFP क्विक फाइल असेस। आर के अंदर है हमारे पास एब्रीविएशंस RAD रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, RADIUS रिमोट ऑथेंटिकेशन, डायल इन यूजर सर्विस, RAID रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, RAID redundant array of inexpensive tapes, RAM random access memory, RARP reverse address resolution protocol, RDBMS relation database management system, RDF resource description framework, REAL recursive functions algorithmic language, RF radio frequency, RGB red green blue और RGBA रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ROM रीड ओनली मेमोरी, ROM रीड आउट मदरबोर्ड, ROM DOS रीड ओनली मेमोरी रिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये थे हमारे पास R वाले, और अब S की बारी है। जी तो S में देखते हैं हमारे पास कौन सी एब्रीविएशंस हैं। S में है SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SATA सीरियल अटा, SAX सिंपल API ऑफ XML, SBP2 सीरियल बस प्रोटोकॉल 2, SBU स्टैंडर्ड बिल्ड यूनिट, SCSI स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस, SDL सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर, SDN सर्विस डिलीवरी नेटवर्क, SDR सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, SDRAM सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SFTP सिक्योर FTP या सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SHDSL सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, SIMM सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, SMBIOS सिस्टम मैनेजमेंट BIOS, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SP सर्विस पैक, SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SUS सिंगल यूनिक स्पेसिफिकेशन, SVD स्ट्रक्चर्ड VLSI डिजाइन, SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। और अब जो है वो टी वाले जल्दी से देख लेते हैं। TB टेराबाइट, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस, TMP टेम्पररी, TTA ट्रू टैप ऑडियो, TTF ट्रू टाइप फॉन्ट, TTL ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, TTS टेक्स्ट टू स्पीच, TTY टाइली टाइप। और अब यू वाले देख लेते हैं एब्रीविएशन। UAC यूजर अकाउंट कंट्रोल, UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फिल्मवेयर इंटरफेस, UI यूजर इंटरफेस, UL अपलोड, UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URN यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, UTF यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सो
अब वी वाले जो ये लेते हैं जल्दी से, वी ए आर वेरिएबल, वी बी विजुअल बेसिक, वी बी है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, वी बी एस विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, वी एफ ए टी वर्चुअल फैट, वी एफ एस वर्चुअल फाइल सिस्टम, वी जी ए वीडियो ग्राफिक एरे, वी जी सी टी वीडियो ग्राफिक करेक्टर टेबल, वी लैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वी एम वर्चुअल मेमरी, वी ओ डी वीडियो ऑन डिमांड, वी ओ आई पी वॉइस ओवर आईपी यानी इंटरनेट प्रोवाइडर, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीयू विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट, वीटी वीडियो टर्मिनल, और डब्ल्यू वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो जरा देख लेते हैं, डब्ल्यू ए एन वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वैप वायरलेस एसएस प्रोटोकॉल, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, विन एफएस विंडो फ्यूचर स्टोरेज, विन एस विंडोज इंटरनेट प्रो नेम सर्विस नेमिंग सर्विस, डब्ल्यू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू एम ए वीडियो मीडिया ऑडियो विंडो मीडिया ऑडियो, डब्ल्यू एम वी विंडो मीडिया वीडियो, और डब्ल्यू ओ एल वेक ऑन लैन, डब्ल्यू ओ एम वेक ऑन मोडेम, डब्ल्यू पी ए वाई फाई प्रोटेक्टेड एसेस, डब्ल्यू एस डी एल वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, वी यू एस बी वायरलेस यूनिवर्सल सर्विस बस, डब्ल्यू डब्ल्यू ए एन वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू डब्ल्यू आई डी वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफायर, डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब, और अब एक्स वाले देख लेते हैं, एक्स ए एम एल एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज, एक्स एच टी एम एल एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्स एम एल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स एन एस जीरोक्स नेटवर्क सर्विस, एक्स एम एम एस एक्स मल्टीमीडिया सिस्टम, एक्स सी एस एल एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, एक्स एस एल एफ ओ एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट, XSLIT Extensible Style Sheet Language Transformation, XUL XML User Interface Language. So ये X वाले थे, Y से कोई abbreviation कोई मुझे नहीं मिली, और Z के अंदर दो तीन हैं वो आखिर में डिस्कस करते हैं, ZIFS Zero Insertion for Socket, ZISC Zero Instruction Set Computer, ZMA Zonal Multicast Address. ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ब्लैक में हाईलाइट की थी, और बाकी जो आपकी नज़र के अंदर गुजर रही है उनको भी एक बार नज़र मार लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती हैं. तो ये एब्रीवेशन थी और बेसिक आईटी का पहला लेक्चर था. इसके बाद मैं एमएस वर्ल्ड के शॉर्टकट्स के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं होगी. मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.